अमे हियर, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीरीज। आज का टॉपिक है थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। बेसिकली थ्रेड्स और प्रोसेस होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो कैसे काम करता है, ये हमें देखना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में वी बिल्ड वर्चुअल प्रोसेसर इन सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ फिजिकल प्रोसेसर। बेसिकली आपको कोई भी काम करना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, आपको प्रोसेसर चाहिए, तो एक वर्चुअल प्रोसेसर, मतलब हमें लगता है कि वो बहुत सारे प्रोसेसर है, होता एक ही है, तो ऐसा वर्चुअल प्रोसेसर से वो फिजिकल प्रोसेसर की तरह काम कर रहे हैं। अब वो प्रोसेसर क्या है? प्रोवाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द कैपेबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ दोस इंस्ट्रक्शन। आप उसको जो काम करने को बोलोगे वो करेगा, वो हो गया प्रोसेसर। मतलब कि उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो काम हमारा एग्जीक्यूट कर दे। तो अब थ्रेड क्या है? थ्रेड क्या है कि लाइट वेट प्रोसेस, वो हम ओएस में देख चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये लाइट वेट प्रोसेस कैसे काम करता है? अ मिनिमल सॉफ्टवेयर प्रोसेसर इन हुज कॉन्टेक्स्ट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? इसमें आप प्रोसेसर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो जो ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहता है, मतलब एग्जीक्यूट करता रहता है। थ्रेड में सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि भाई इसके बाद ये करना है, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमल सॉफ्टवेयर प्रोसेसर। अब जो थ्रेड होता है वो प्रोसेस का एक पार्ट ही होता है। छोटे छोटा काम करना है तो थ्रेड का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें थ्रेड का कंटेक्स्ट सेव करना है, वो कैसे करेंगे? तो सेव करना मतलब कि जो पहला हमारा करंट जो था चल रहा था उसको हम स्टॉप कर देंगे और सेव करने के लिए उसको उस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारा करंट डेटा है उसको सेव कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी कंटिन्यू करना हो तब वहां से हम कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो ये हो गया सेविंग का पार्ट। अब बेसिकली प्रोसेस क्या है? मतलब कि एक से ज्यादा थ्रेड हम यूज कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है। बेसिकली प्रोसेस मतलब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तो वो बन जाती है प्रोसेस। और एक प्रोसेस में दो से ज्यादा, तीन चार पांच, इतने सारे थ्रेड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट था वहां पे भी देखा था कि यूजर से कर्नल, कर्नल से यूजर, ऐसे कॉन्टेक्स्ट स्विच होती रहती है। अब यहाँ पे तीन टाइप की कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फर्स्ट है प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट। उसमें क्या होता है कि मिनिमल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। आप जो भी काम कर रहे हो उसके वैल्यू रजिस्टर में स्टोर हो रही है। प्रोसेसर में क्या हो रहा है अब ये कॉन्टेक्स्ट में कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि अगर प्रोसेसर के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो तो जो इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही है प्रोसेसर में उसकी वैल्यू मिनिमम, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी जो प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन कर रहे हो इंस्ट्रक्शन के उसकी। जैसे कि मान लो स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर में कैसे चेंज हो रहा है कि पहले 2 पे था फिर 3 4 ऐसे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एड्रेसिंग रजिस्टर्स, रजिस्टर्स में आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो भी चेंज होगी। प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट वैल्यू फेच करेगा तो भी वैल्यू चेंज होगी। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं थ्रेड कॉन्टेक्स्ट। थ्रेड कॉन्टेक्स्ट मतलब कि द मिनिमल कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन रजिस्टर्स एंड मेमोरी। थ्रेड में मेमोरी भी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे, क्यों? क्योंकि हर एक थ्रेड की सेपरेट खुद की एक मेमोरी होती है, तो वहां पे उसने जो स्टोर कर रखा है वो भी हमें सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन में चाहिए। तो ये हो गया थ्रेड कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट, उसका एक स्टेट। अब प्रोसेस के रिगार्डिंग देखते हैं, तो प्रोसेस में क्या होता है कि रजिस्टर एंड मेमोरी, प्रोसेस की भी मेमोरी होती है, यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड। अब एक प्रोसेस में दो से ज्यादा थ्रेड होते हैं तो हमें उसकी भी वैल्यू चाहिए, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। तो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट में थ्रेड कॉन्टेक्स्ट भी यूज होगा। पर यहाँ पे क्या होगा? बट नाउ ऑल्सो एटलीस्ट MMU रजिस्टर वैल्यूज, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी में जो वैल्यू है वो तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। फिर उसके पास अगर थ्रेड है, अलाइव थ्रेड है तो उसकी वैल्यू लेगा, थ्रेड डेड है तो उसकी वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। अब थ्रेड के बारे में थोड़ा देखते हैं। थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। थ्रेड की सबकी एक सेम एड्रेस स्पेस होती है। प्रोसेस स्विचिंग इज जनरली मोर एक्सपेंसिव। प्रोसेस स्विचिंग एक्सपेंसिव होता है क्योंकि प्रोसेस के अंदर भी कई सारे थ्रेड होता है, तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करना थोड़ा एक्सपेंसिव है। पर थ्रेड में इतना नहीं, क्योंकि दो तीन थ्रेड है एक ही प्रोसेस के अंदर है तो स्विचिंग फटाफट हो सकता है। तो इसमें ओएस का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है प्रोसेस में। ट्रिपिंग टू द कर्नल, प्रोसेस है उसका हर एक का खुद का एक सेपरेट मेमोरी होता है, तो खुद का एक कर्नल पार्ट रहता है तो वो ट्रिप हो सकता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है स्विचिंग करने में।
क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड्स इज चीपर देन डूइंग इट फॉर प्रोसेस। प्रोसेस क्रिएट करनी और डिस्ट्रॉय करनी, उससे ज्यादा थ्रेड क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना ईजी रहता है। ठीक है, अब लार्ज ऐप। अब ये लार्ज ऐप क्या होता है? सेट ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कम्युनिकेटिंग वाया आईपीसी विच इज एक्सपेंसिव। मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस है, उसको हम आईपीसी हम पढ़ चुके हैं ओएस में, उसके रिगार्डिंग अगर काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोसेस का, तो वो हो गई लार्ज ऐप। मतलब कि हमारे को एप्लीकेशन ले लो ऑनलाइन शॉपिंग की, उसमें क्या रहता है, पहले साइन इन, लॉग इन, फेच करना, कार्ट में डालना। तो लार्ज ऐप क्या बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस में वो बहुत सारी प्रोसेस का यूज करे, तो हो गई लार्ज ऐप। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखते हैं कि पहले S1 स्विच फ्रॉम यूजर स्पेस टू कर्नल स्पेस। पहले यूजर से कर्नल में जाना पड़ेगा मेन डेटा फेच करने के लिए, हमारा मेन ऑपरेशन कर्नल में होता है। फिर है S2 स्विच कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी। मान लो कि हमारे पास दो प्रोसेस है, तो यूजर से कर्नल स्विच हो गया, अब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करना है। और तीसरा स्विच क्या होता है, स्विच फ्रॉम कर्नल टू यूजर। पहले हम यूजर टू कर्नल गए थे, हमने हमारा मेन प्रोग्राम फेच किया, अब वापिस कर्नल टू यूजर। तो ये लार्ज ऐप में जब काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, तब ऐसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। ठीक है, अब ओएस के रिगार्डिंग देखते हैं, थ्रेड और ओएस। अब इसमें इश्यू क्या है कि भाई थ्रेड है वो कर्नल प्रोवाइड करता है कि यूजर लेवल पैकेज। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई यूजर स्पेस सॉल्यूशन ये है कि कर्नल के साथ कुछ मत करो, सिर्फ यूजर स्पेस का यूज करो, बट एवरीथिंग डन बाय थ्रेड अफेक्ट्स द होल प्रोसेस। क्योंकि एक थ्रेड अगर कुछ भी चेंज करेगा वो पूरी प्रोसेस पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर दो से ज्यादा थ्रेड होते हैं। ठीक है, तो यूजर स्पेस सॉल्यूशन में ये बोलते हैं कि कोई चेंज करो तो पूरी प्रोसेस पे इफेक्ट करे, ऐसे चेंज करो, और कर्नल के साथ हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम यूजर स्पेस से ले रहे। तो मान लो कि कर्नल है, तो कर्नल सॉल्यूशन ये है कि कर्नल इंप्लीमेंट्स थ्रेड्स, एवरीथिंग इज सिस्टम कॉल। मतलब कर्नल में है वो हमारा मेन ऑपरेशन होगा सिस्टम का, तो वो सिस्टम कॉल करेगा हर एक थ्रेड से। तो ऑपरेशंस दैट ब्लॉक अ थ्रेड आर नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम। एक बार अगर कोई ऑपरेशन है वो थ्रेड को ब्लॉक करता है, तो क्या होगा कि कर्नल दूसरे थ्रेड का यूज कर लेगा, कर्नल शेड्यूल्स अनदर। एक्सटर्नल इवेंट्स आर सिंपल। एक्सटर्नल इवेंट्स मतलब कि कर्नल में कुछ काम चल रहा है और बाहर से कुछ इंटरप्ट आ रही है, वो सिंपल ही होगी क्योंकि थ्रेड है। प्रोसेस होती तो ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। द कर्नल शेड्यूल्स द थ्रेड एसोसिएटेड विद द इवेंट। अब जो एक्सटर्नल इवेंट आ रही है उसके साथ भी कर्नल थ्रेड को एसोसिएट कर देगा, पर ये लेस एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड है, कोई एक ब्लॉक हो गया तो उसको दूसरा शेड्यूल करना है, तो ये सारी प्रोसेस लंबी हो जाती है, तो ये लेस एफिशिएंट है। तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ट्राई टू मिक्स यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स इनटू अ सिंगल कांसेप्ट। यूजर लेवल भी यूज करो, कर्नल लेवल भी यूज करो। काफी जगह पे जहाँ पे कर्नल की जरूरत नहीं है वहां पे यूजर लेवल यूज करो, ऐसा मिक्स कंसेप्ट यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया थ्रेड और ओएस का। अब मेनली थ्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे काम करता है, तो मल्टी थ्रेडेड। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे सर्वर होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट्स और सर्वर का कंसेप्ट आता है। तो उसमें मेन इशू क्या है कि भाई नेटवर्क लेटेंसी। अब एक ही नेटवर्क में इतने सारे क्लाइंट है तो उसकी लेटेंसी हमें यूजर को नहीं दिखानी है, तो मेन इशू ये है। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड वेब क्लाइंट मतलब HTML है, अब उसमें हमें बहुत सारी फाइल चाहिए, तो क्या है कि एक ही नेटवर्क से हमें बहुत सारी फाइल फेच करनी है, तो हमारे पास इतने थ्रेड होने चाहिए कि हर एक फाइल को फेच कर सके। तो सो ईच फाइल इज फेच्ड बाय अ सेपरेट थ्रेड। ईच इशूइंग एन HTTP रिक्वेस्ट, हर एक थ्रेड HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से उसको फाइल मिल जाएगी। अब इसमें RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल भी हम लगा सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं, हर एक थ्रेड कोई अलग प्रोसीजर रिमोट प्रोसीजर कॉल करेगा, वहां से उसको आंसर आ जाएगा और काम स्पीड में हो जाएगा। तो इसमें एक ये मेन टास्क है कि वेट स्टिल ऑल रिटर्न। मतलब एक प्रोसेस है उसमें सात मान लो थ्रेड है, सातों के सातों थ्रेड जा रहे हैं RPC में, रिमोट प्रोसीजर कॉल किया, सातों को आंसर मिला, जब तक सातों के सातों नहीं आ जाते तब तक हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस के लिए सात थ्रेड है, तो सारे के सारे रिटर्न होने चाहिए। इफ कॉल्स आर टू डिफरेंट सर्वर्स विल हैव अ लीनियर स्पीड अप। लीनियर स्पीड अप मतलब कि एक साथ थ्रेड, मतलब बहुत सारे कॉल्स है अलग अलग सर्वर पे, तो लीनियर स्पीड अप मतलब कि जब सारे रिटर्न हो जाए तब एक साथ लीनियरली हमारा आउटपुट आ जाए। तब सर्वर मल्टी थ्रेडेड जो सर्वर था उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए थ्री वेज है। अगर सिंपल हमारे पास थ्रेड्स है बहुत सारे, तो पैरेललिज्म मतलब पैरेलली काम करेंगे। ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स मतलब जो हमने देखा था कि कर्नल ब्लॉक कर देगा अगर यूजर का थ्रेड काम नहीं कर रहा है, तो सिंगल थ्रेड
एक ही थ्रेड है तो पैरेललिज्म तो होगा नहीं, एक ही थ्रेड है खुद काम कर लेगा, ब्लॉकिंग सिस्टम को अलाव है। अब ये फाइनाइट स्टेट मशीन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है। मशीन क्या होता है कि उसमें फाइनाइट स्टेट होते हैं कि चार या पांच, उसमें हमारी पूरी सिस्टम काम करती है। तो उसमें पैरेललिज्म तो होगा ही, बहुत सारे थ्रेड होंगे, पर नॉन ब्लॉकिंग, क्योंकि वो पूरा मशीन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते थ्रेड, तो वो नॉन ब्लॉकिंग हो जाता है। एक ब्लॉक हुआ तो पूरा गया, ठीक है। अब मेन देख लेते हैं प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस। प्रोसेस है वो प्रोग्राम का इंस्टेंस है, पर थ्रेड है वो सबसेट ऑफ प्रोसेस है। इसके पास ऑन कॉपी ऑफ द डेटा सेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, इट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा सेगमेंट ऑफ इट्स प्रोसेस। थ्रेड में कोई पेरेंट पेरेंट कुछ नहीं होता, इसमें होता है प्रोसेस में, ठीक है। प्रोसेस इज मस्ट यूज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी। थ्रेड डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है क्योंकि वो प्रोसेस का ही पार्ट है। प्रोसेस ऑफ कंसिडरेबल ओवरहेड, वो देख लिया हमने कैसे ओवरहेड होता है थ्रेड्स में, कैसे नहीं होता है। न्यू प्रोसेस रिक्वायर डुप्लीकेशन ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, मतलब कि अगर नई प्रोसेस जनरेट हुई तो उसको पेरेंट प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। थ्रेड तो इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो वो ऐसे ही नए क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस और है कि प्रोसेस में हर एक की खुद की यूजर और यूजर आई मीन मेमोरी स्पेस होती है। थ्रेड में सेम एड्रेस स्पेस वो शेयर करते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर सात थ्रेड है तो सबकी एक कॉमन एड्रेस स्पेस होती है। तो ये हो गया प्रोसेस एंड थ्रेड। थैंक यू सो मच।